daddy on the roadside, the roadside, side, 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 side. Hey guys, so I'm reacting wali hu on the video Wildest Party of India of Kariminati. But before I start, hello everyone, I'm Manali Naik. Welcome to my channel, Lagne Wali Mona. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर. दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर. सीरियसली ऐसी होता. तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं तुम लोगों को सुनाने जा रहा हूं 2019 के सबसे बर्बाद पार्टी सॉन्ग. इन्हें सुन के तुम्हारा हिमेश रेशमिया को चुम्मी देने का मन करेगा. पहले नंबर पे आ रही है हिंदुस्तान की जानी मानी सपेरी धिन चप चप पूजा. इस प्राणी को जापान में चाची चूची कहते हैं क्योंकि जापान में भी इसका बहुत क्रेज है. करेंगे पार्टी सारी रात, करेंगे पार्टी सारी रात. खैर, इस चाची चूची का एक नया गाना आया है. मतलब वो गाना तो नहीं है पर कुछ तो आया है. तो आओ यार, अपनी सोच और समझ को अलविदा कहो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के. ये इसकी जिंदगी की फिलॉसफी है. पहले पागल होके नाचो, फिर सही में पागल हो जाओ. और हमेशा की तरह इसकी आवाज पागल होके नाचो और नाच के पागल हो जाओ. मग्गे में गाने की बुरी आदत लगी हुई है. पागल होके नाचो और नाच के पागल हो जाओ. पीछे वॉटर पार्क बना दिया, पूरा परिवार उछल रहा है. अरे आंटी रुको. इससे पता चलता है हर उम्र का इंसान इसके गानों पे नाच नाच के बावड़ा हो सकता है. जहाँ भी मिले खटिया तुम चतर तान के सो जाओ. जहाँ भी मिले खटिया तुम चतर तान के सो जाओ. पहले फैसला कर ले तुझे लोगों को नचाना है या सुलाना है. और एक लड़की ऐसे ही तो सोती है, कैप पहन के, आलती पालती मार के, चादर ओढ़नी और फिर मीठे मीठे सपने. नीली गगन की तली स्कूल की छुट्टी मारो और ट्यूशन तुम मत जाओ. और फिर बाप जो ऐतिहासिक मार लगाएगा ना, अगर ये मुझे स्कूल ना जाने के लिए बोलेगी ना तो मैं तो छुट्टियों में भी जाऊंगा क्योंकि ये नहीं बनना मुझे. पान की दुकान चूना लगाने के लिए खोलते हैं इस चाची चूची का. ये यार, अगर ये क्रिकेट में जाएगी तो फिक्सिंग करेगी और अगर पॉलिटिक्स में जाएगी तो करप्शन, क्योंकि ऐसे जिंदगी कभी ना मिले दोबारा. मुझको पहने तुम घेरो, होली पे पटाखे फोड़ो और दिवाली पे सबको नहलाओ. सोचो आज दिवाली है, तुम नहा धो के अच्छे से तैयार होके कुर्ता पजामा पहन के टीका लगा के बाहर घूम रहे हो और एक नादान परिंदा तुम्हारे साथ ये करता है. पड़ेगा ना फिर जो मैं तो 10,000 लड़ी की पूछ चिपका दूंगा इसके पीछे. पूरे मोहल्ले में भक्ति फिरेगी. मुंह पे थप्पड़ मारो और पूल में डुबकी लगाओ. इसे बचपन से थूथ पे चाटे देके पूल में कूदने की आदत है. देखो यार, धिनचक पूजा की रोजाना सोच हमसे बहुत अलग है. एक आम इंसान सोचता है आज काश खाने में पनीर बनाओ, घर पे कोई नहीं है, दोस्त बुलाओ या फोन देखूं, ये फेसबुक वाली लड़की एंजल प्रियाना निकले. और ये सोचती है भाई रेस्टोरेंट में हाथी के अंडे मिलते हैं क्या? अगर आसमान नीला है, पानी नीला है तो मैं नीली क्यों नहीं हूँ? अगर चार बोन चार है और इन दोनों चारों की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? इसे 3 साल हो गए करते हुए. इंसान वक्त के साथ और बुरा कैसे हो सकता है? लोग मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और धिनचक पूजा म्यूजिक वीडियो में पैसे इन्वेस्ट करती है. इससे बढ़िया तो ग्रो ऐप पे इन्वेस्ट कर ले, ₹500 से शुरुआत कर सकते हो, जीरो कमीशन है और गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो. कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार, सारा काम घर बैठे बैठे हो जाएगा. खैर अब चलते हैं हमारे दूसरे कंटेस्टेंट की तरफ जो आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहा है, पार्टी ऑन द रोड साइड. साले गटर में नाच पट्टी मचा रहे हैं. कैसी पार्टी है भोसड़े पे, क्या कर रहा है? ये उनमें से है जो पार्टी में फिट नहीं होते, नाचने में शर्म आती है, दारू पीते नहीं तो क्या करें, बैठे बैठे जमीन गीली करते हैं. What a life. ऐसे दारू कौन
पीता भैंसो पानी थोड़ी ना, बिना मुंह लगाए मुंह में गुड़गुड़ किया और थूक दिया। और ये देखो इतना चूतिया तो कॉलेज में नहीं काटता। रख लो ना, ऐसी पार्टी में सिर्फ एक इंसान को मजा आएगा। पार्टी ऑन द रोड साइड, लेट्स गो बेबी। अरे कैसे कभी खुशियां छा गई है, ये कैसा एडिटिंग है। व्हिस्की बोतल की मात्रा की गान मार रखी है इसने, हर दो शब्दों के बाद आउआ, 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 आउआ। खैर इसका इस्तेमाल हम सब भी करते हैं जब तुम्हारा दोस्त लड़की पटा ले, जब तुम्हें पता चलता है मोदी जी बेयर ग्रिल्स के साथ आ रहे हैं, मुझे नहीं पता ये अपर डिपर बम बम क्या होता है, लेकिन इसके इशारे मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। ये और देसी शक्ल का कुछ और ही चारा है। You are looking very sexy. ये लौंडा ज्यादा गर्म हो रहा है। अगर तुम किसी को ऐसे बोलोगे ना, ए रूपा सुन, सुना यू आर लुकिंग वेरी बढ़िया, नाक तोड़ने वाली कहानी आएगी, मजा आ जाएगा। पार्टी ऑन द रोड साइड, ये देखो रात का सपेरा नशे में बच्चियां झुला रहा है। इस पार्टी में ना ऐसा ही होता है, सबसे पहले लड़कियों को दारू पिलाई जाती है, उसके बाद उन्हें बच्चियों की तरह झुलाया जाता है, और एक कूलस्टर संडास के पास की जमीन गीली करता रहता है। अगर साली पार्टी हो तो ऐसी ऊपर ना दारू पी के तो हर कोई नाच लेता है। तो ये थे हमारे साल के सबसे बर्बाद पार्टी सॉन्ग। अब तुम लोग मुझे बताओ तुम लोग कौन से गाने पे नंगा नाचना पसंद करोगे। यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ नाच के पागल हो या पागल होके नाचो मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और गाइस ग्रो ऐप डाउनलोड करो यार, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है वो। देखो यार इन्वेस्ट करते रहोगे तो जिंदगी में सुखी रहोगे, सिंपल सी बात। अब मैं भी जा रहा हूं यार, मेरी निंजा क्लासेस है। बाय बाय। ओए आजा अपना गेंजुत्सु सुधारे। गाइस मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक साल पहले मतलब जब कभी भी ये गाना आया था तब मैंने भी रोस्ट किया था इस सॉन्ग को, नाच के पागल वाले को, और वो एक साल पुराना है तो उसमें बहुत से मिस्टेक्स हो सकते हैं, पर आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, मुझे बता देगा फीडबैक उसके ऊपर, मैं उसको एंड में डालूंगी थंबनेल के ऊपर या यहाँ पे ही ऊपर लिंक दे दूंगी, प्लीज एक बार विजिट करना उसको। और क्योंकि फिर मैं थोड़ी मोटिवेट हो जाऊँ ना मेरे दूसरे चैनल के लिए नखरे वाली मोना एक्सप्लोर्स के लिए, बहुत से लोगों ने बहुत बार पूछा कि बाबा वहाँ पे कब आएगा वीडियो, तो दैट्स द रीजन आई एम लाइक चलो जल्दी से करना है करके। ये जो दूसरा गाना था पाड़ी ऑन द रोड ये मैंने कभी नहीं सुना था। ये गोला बेचते पता है आपको, उसका ठेला जैसा होता है ना उसके ऊपर ये लोग दारू पी रहे हो, एक एक लाइन में आके पी रहे ऊपर से, मतलब पार्टी वाली फीलिंग ही नहीं, वो लाइन में आके पीना, वो घट करके पीना, एंड देन वो पानी के अंदर वो क्या कर रही थी, वो ऐसे गंदी सी एडिटिंग, और क्या लिरिक्स थे उसके रैप के, बहुत ही ज़्यादा घटिया, कहाँ से कौन से लोग थे, क्या कैसे बनाया वीडियो, ओ माय गॉड, वो और नाच के पागल, मतलब ढिंचैक पूजा शायद उसके बाद कोई गाना नहीं आया ना उसका, या शायद उसके बाद कोई गाना ऐसा हिट नहीं हुआ था, ये नाच के पागल एक था जो ट्रेंडिंग लिस्ट पे आया था, बट उसके बाद मुझे कोई याद नहीं आ रहा है कि उसका वापस कोई गाना आया, थैंक गॉड, बिकॉज समटाइम्स इट फील्स कि ये जानबूझ के करी, या वो बिग बॉस तक गई ऐसा काम करते करते। आप सोचो पागल हो के नाचो या नाच के पागल हो जाओ, मतलब ना उसको सुर है ना ताले ना कुछ, ऐसे जो रॉ आवाज है उसी में गा रहे हो, लक देखो उसका, बिना कुछ किए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, माय गॉड शिट। आई होप इसको यूट्यूब फैन फेस्ट वगैरह कहीं पे बुलाते ना हो प्लीज, नहीं तो उस वो भी
वो भी मजाक ही लगने लग जाएगा फिर, जैसे इनका ट्रेंडिंग टैप आजकल मैं देख रही हूँ, ट्रेंडिंग टैप पे ना राउंड टू हेल के वीडियोस आ रहे हैं, ना हर्ष बेनेवाल के वीडियोस आ रहे हैं, ना आशीष चंचलानी के, आशीष चंचलानी ने भी डाला था 10 मिलियन व्यूज इन 24 आवर्स उनको मिल गया अभी वो ऑफिस लॉकडाउन वाला जो वीडियो था उसके ऊपर, बट उनका भी ट्रेंडिंग पे नहीं, बट ये सारे वीडियोस ट्रेंडिंग पे आ जाते हैं कैसे पता नहीं मुझे। इट वॉज हिलेरियस, बहुत ज्यादा मजा आया मुझे ये वीडियो में। शिट, लिटरली दिवाली पे सोचो ना आप, अगर तैयार हो क्या, नहा धो क्या और फिर ये कलर मारे या ऐसे पानी में डुबा दे ना, उसको दो चमाटे पड़े, और ऐसा कौन सा होता है लिटरली टोपी पहन के मांडी डाल के वो सो गई, जहां पे दिखे खटिया कंबल ओढ़ के सो जाओ, मतलब मम्मी ने इतना मारना चाहिए ना ऐसे चीजों के लिए। ओ शिट, तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन द वीडियो वाइल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऑफ कैलिमिनाटी। व्हाट डू यू फील अबाउट माय रिएक्शन, टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई कम अप विद वीडियोस एवरी डे, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी परत नहीं आले छा, बाय।